पाकिस्तानी, और उन लोगों ने मेरे साथ बाकायदा धोखा किया, क्योंकि मैंने ये बाकायदा मुझे 2016 में जनवरी 2016 में न्यायालय से स्टेप मिल चुका था, उसके आधार पर मैं यहाँ बैठा था। अब उन लोगों ने मुझे यहाँ पे 5/6 में ये नोटिस दिया नगर निगम द्वारा कि एक मकान खतरनाक है और इसे गिराया जाए, नहीं तो कि हम गिरा देंगे। और मकान अगर खतरनाक था तो 2 महीने तक खतरनाक था तो उन लोगों ने क्यों नहीं गिराया? और रक्षाबंधन के दिन आए वो 7 तारीख के दिन 2 महीने बाद, और बाकायदा उन लोगों ने मेरे साथ धोखाधड़ी की, मेरा माल सहित मेरा लाखों रुपए का माल दबा दिया, मुझे 1 सेकंड का भी मौका नहीं दिया। और रक्षाबंधन आज छुट्टी का दिन है, अपन लोग त्यौहार मनाएंगे कि यहाँ आएंगे? मेरे साथ पूरा फ्रॉड कर दिया। आज 50 साल से मेरा लाखों रुपए का माल है, मुझे हर चीज़ से वंचित कर दिया उन लोगों ने। और भी अब आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? मुझे दुकान के बदले दुकान मिले और मेरा जो माल का अर्जाना है वो बकायदा मुझे दिया जाए। अच्छा, कोर्ट के स्टे के बावजूद निगम ने कार्रवाई की है, क्या है, क्या निगम मिली भगत से कर रहा है? हाँ, मुझे यही लगता है कि निगम ने मिली भगत है निगम की, क्योंकि यहाँ निगम जो है, यहाँ के जो ऑफिसर आए उनको मैंने स्टे हाथ में दिया बकायदा, तो भी उन्होंने मुझे कोई सुनवाई नहीं की। और बकायदा अभी भी मैंने जो है उनको न्यायालय का सब चीज़ स्टे वगैरह सब उनके पास लगा हुआ है, और जब मैंने उनको कॉपी लगाई थी स्टे की तो उन लोगों ने मुझे सूचना देनी चाहिए थी, उन्होंने मुझे कोई सूचना नहीं दी। और जब मकान खतरनाक है तो आप गली देखिए, गली का देख निर्णय लेके देख लीजिए कि सिर्फ पीवर दुश्मन। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं ये, क्या निगम आगे निगम चाहती है, ये लोग चाहते हैं निगम के द्वारा बकायदा इन्होंने निगम को आवेदन दिया है कि यहाँ से मलबा हटाया जाए, रास्ते में आने जाने में दिक्कत हो रही है लोगों को। अब ये मस्जिद का रास्ता है, पूरा रास्ता साफ है, और अगर है तो यहाँ पे जो नीचे है वो खुद हाथ से भी उठा सकते थे और ऊपर डाल सकते थे। ठीक है, वो चाह रही हैं कि निगम के द्वारा ये मलबा हटाया जाए, जो भी मेरा स्थान है, मेरा माल है, वो निगम ले जाए, मेरा माल को खतरा है। आपका नाम बताइए। पंकज महेश्वरी। कहाँ ये जगह जो है आपकी? 21/1 निहालपुरा, बर्तन बाजार, बर्तन की शॉप थी।